वालेकुम कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी आप किसी दावत में बनाएं या किसी पार्टी में मेहमानों को इतनी पसंद आएगी कि मेहमान उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे और आपकी तारीफें करते जाएंगे और इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेंगे तो चलिए चलते हैं मजेदार चिकन मुगल या हांडी की रेसिपी की तरफ मुगलियाई चिकन हांडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप ऑयल एक कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल को गर्म करने के बाद हमने यहाँ पर दो दरमियाने साइज की प्याज को रफली कट कर लिया है और प्याज को हम ऑयल में ऐड कर देते हैं प्याज को बस हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है अब हमने यहाँ पर तीन दरमियाने साइज के टमाटर ले लिए हैं टमाटरों को भी रफली कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है टमाटरों को भी हाई फ्लेम पर एक से दो मिनट फ्राई कर लेते हैं और इसके साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं तीन पतली वाली हमने इस तरह से मिर्चें ले ली हैं जो काफ़ी स्पाइसी होती हैं तो ये तीनों मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से मोटी हरी मिर्चें भी हमने ले ली हैं ये भी हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हमने छः से सात अदद लाल हरी मिर्चें ले ली हैं जो लाल हो गई थी तो इससे बहुत ही जबरदस्त सा कलर आएगा तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं दो से तीन मिनट इस पूरे मसाले को भूनने के बाद इसका हल्का सा कच्चापन खत्म करने के बाद अब हम इस पूरे मसाले को एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और इसको ठंडा करने के बाद हम इसको पीस लेंगे तो इस पूरे मसाले को इस तरह से हमने इसके ऑयल को रिलीज करके एक प्लेट में निकाल लिया है और इसके अंदर जो ऑयल आ गया है इसको हम वापस कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको ठंडा करके ब्लेंडर जग में डालकर पीस लेंगे अब इसी ऑयल के अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एक किलो से थोड़ी सी कम चिकन है हमारे पास तो हम ये पूरी चिकन इसके अंदर ऐड कर देते हैं और चिकन को हाई फ्लेम पर इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन का कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए तो चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं और चिकन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं तो वन टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे वन टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है इस पूरे मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं तो हमारा मसाला जले ना तो हमने इसके फ्लेम को लो कर दिया है और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज टमाटर और हरी मिर्चों का जो मसाला हमने भून कर पीस लिया था तो ये पूरा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे तो हमने इस चिकन को बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना क्योंकि जैसा कि आपको पता है चिकन एक ही भाप में गल जाता है तो बस खुला ही हम इसको इस तरह पकाएंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक पाव दही तो ये एक किलो से कम चिकन है एक किलो से कम चिकन के अंदर हमने एक पाव दही ऐड कर दी है दही को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जैसा कि आपको पता है चिकन एक भाप में गल जाती है तो अभी हम चिकन को एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है तो भूनने में चिकन टूट ना जाए और चिकन बहुत ज़्यादा गल ना जाए तो हमने चिकन को एक अलग प्लेट में निकाल के रख लिया है अब हमने इसके मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है आप देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो चुका है और इसका साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है तो अब हम अपनी चिकन इसमें ऐड कर देते हैं चिकन हमारी एट्टी गल चुकी थी तो इसलिए चिकन को अब हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं वन टी स्पून कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च तो काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना बल्कि हमने साबित काली मिर्च को हावन दस्ते में कूट कर हाफ़ टी स्पून इस तरह हमने काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको दो से तीन मिनट हम पका लेते हैं इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ़ाइव टेबल स्पून फ्रेश क्रीम तो फ्रेश क्रीम आपने ज़रूर ऐड करनी है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी मुगलई हांडी बनकर तैयार होगी तो हमने फ़ाइव टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी मुगलई हांडी बन तैयार हुई है अब हम इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी मुग़लई हांडी तैयार हो गई है तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं तो देखिए कितनी मज़ेदार कितनी शानदार रेसिपी है रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है तो आपने एक बार इस मुग़लई हांडी को ज़रूर ट्राई करना है गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगी बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली जो मज़ेदार सी रेसिपीज मैं आपसे शेयर करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौर मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज वॉच कर सकें रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज